हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ मॉर्निंग का हो रहा है समय और ये ब्लॉग है मेरा मंडे का, क्योंकि मैंने इससे पहले संडे को ब्लॉग डाला था और मैं ये वीकली सेकेंड ब्लॉग डाल रही हूँ। रीज़न वही है कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहा तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसमें व्लॉग बढ़ाने के लिए, और जो कि मुझे दिखाई भी दे रहा है और काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरा दूसरा चैनल है। इससे पहले भी मैं दूसरे चैनल पे व्लॉग डालती थी जिसकी वजह से मैं इस चैनल पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी। तो फाइनली आज मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस पर भी उतना ही टाइम देना चाहिए जितना मैं पहले चैनल पर दे रही हूँ। आज मेरा और मम्मी दोनों का फास्ट है और यहाँ का मैं सारा काम खत्म कर चुकी हूँ, जो झाड़ू पोछा वगैरह है सारा काम मेरा खत्म हो गया है। और जैसे कि सबको मालूम है इस समय हमारे पितृपक्ष चल रहे हैं। सॉरी, मम्मी को उनकी रोटी भी निकालनी है, क्योंकि कहते हैं कि बड़े लोग निकालें तो वो ज़्यादा सही रहता है, तो मम्मी वही चीज़ निकालेंगी। और वीडियो में ऐसे ही बने रहेगा क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आई होप आपको काफ़ी मजा आएगा। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा और इसके बाद हम सीधे चल रहे हैं खाना बना के सीधे पूजा करने के लिए। और इसके बाद सीधे हम आ जाते हैं किचन में, क्योंकि अभी हम बनाने जा रहे हैं हमारी गाय की रोटी, जो कि कहते हैं ना पितृपक्ष में हमारी तीन रोटी निकाली जाती हैं, गाय की, कुत्ते की और कौवे की। तो बस हमें सबसे पहले उसी की तैयारी करनी है। और ये जो रोटियां हैं ये मम्मी ही निकालेंगी, बस मैं उसकी तैयारी कर दे रही हूँ। जब तक मम्मी जो हैं वो पूजा घर में जो हमारे भगवान जी हैं उनको भी साफ़ कर दे रही हैं, उनको नहला दे रही हैं, जो हमारे भगवान वगैरह हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हमने तवे को अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि रीज़न ये है कि ये हमारा लोहे का होता है जिसकी वजह से इसमें रखने पे काफ़ी जंग आ जाती है, तो बस उसको हमने साफ़ कर लिया है। और इसके बाद ही हम जाएंगे हमारा आटा वगैरह मार के, देखते हैं हमें क्या करना है। और यहाँ नीचे की ड्रॉर में हमारा रखा रहता है आटा। और आज क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि आज मंडे है, तो हमें अपने लिए खाना नहीं बनाना है, सिर्फ हमें पितृ के लिए भी निकालना है, और बाकी हम बनाएंगे हमारा नाश्ता वगैरह जो भी होता है। और यहाँ मैं प्लेन पराठा ना निकाल के आज थोड़ा सा मसाले वाला बना रही हूँ, और इसमें मैंने हींग, जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च और गरम मसाले के साथ ही इसको बनाऊंगी। ये हमारी सिर्फ तीन पराठे के लिए ही है। और क्योंकि आज भैया भी घर पे हैं, क्योंकि जैसे कि ये मैंने बताया मंडे को है, मंडे को 2 अक्टूबर हमारा था, तो सबकी यहाँ पर छुट्टी है, तो सबसे पहले हमने ये काम कर लिया है। उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है, क्योंकि हमें भैया के लिए भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि भैया जब घर पे अकेले होते हैं और किसी का फास्ट होता है तो बस इस तरह की कोई चीज़ बनती है कि भैया भी उससे नाश्ता कर लें। और यहाँ हमारी गाय का पराठा हो गया है। और इसके बाद फाइनली हम आ जाते हैं भगवान जी के कमरे में, क्योंकि मंडे की मुझे कथा भी पढ़नी थी। इसके बाद ही हम जाएंगे किचन में वापस। और ये हमारे घर के बाहर जो पेड़ लगा हुआ है एक धतूरे का, ये अपने आप ही पता नहीं कहाँ से लगा है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें काफ़ी धतूरे आ गए हैं, तो ये हमने चढ़ा दिया है। और इसके बाद वापस हम आते हैं किचन में, और यहाँ पर हमारा जो दूध आया हुआ था पैकेट वाला, इसको सबसे पहले हम गर्म कर लेंगे। वैसे तो भाभी दूध गर्म कर लेती थी, लेकिन आज वो रखा हुआ था, तो फाइनली मैंने सोचा कि अभी मैं किचन में हूँ तो चलिए मैं ही इसे गर्म कर लेती हूँ, तो बस वही मैं करने जा रही हूँ। वैसे तो ये पैकेट वगैरह धो लेते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि वहाँ पर किस तरह से रखा जाता है, कैसे नहीं रखा जाता है, इसलिए हमने दोबारा इसको धो लिया है। और यहाँ पर हमारे कानपुर साइड में नमस्ते इंडिया का ही पैकेट मिलता है, तो बस वही मम्मी ले आती हैं। और इसके बाद हम बना रहे हैं हमारे साबुदाने की खिचड़ी, क्योंकि इससे भैया लोग का भी नाश्ता हो जाएगा, तो मैं उसी हिसाब से गला रही हूँ कि ये हमारे चारों लोग का हो जाए, क्योंकि रचित इस तरह की चीज़ें नहीं खाता है जल्दी, उसको मन होगा तो वो मैगी वगैरह कुछ भी बनवा के खा लेगा। और ये कहते हैं कि हमारा जो, वैसे तो कई लोग कहते हैं साबुदाना वगैरह नहीं खाया जाता है, लेकिन ये जो हमारा साबुदाना होता है ये काफ़ी छोटा होता है, जो कहते हैं ये व्रत वाला ही होता है, व्रत में खाया जाता है, जिसकी वजह से इससे हम लोग परहेज नहीं करते हैं। और यहाँ फाइनली हमारा दूध भी गर्म हो गया है, तो उसको भी हम बंद कर देंगे। वैसे तो जब मंडे होता है तो मैं और मम्मी दोनों का ही फास्ट रहता है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग को नहीं करना पड़ता, लेकिन आज घर में जब सब लोग थे, भैया लोग भी थे, तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा सही रहती हैं कि जो सब लोग का नाश्ता भी हो जाए और कोई मतलब परहेज भी ना हो, क्योंकि इस समय वैसे भी अगर मंडे नहीं होता तो भी हमारा प्याज वगैरह का परहेज चल रहा है, क्योंकि इस समय मम्मी ने मना किया हुआ है कि हमारे जो पितृपक्ष चल रहा है उसमें वो प्याज नहीं खाएंगे। और नवरात्र में तो मेरा पूरे व्रत होते हैं नवरात्र के,
मैं पूरे 9 दिन के व्रत रखती हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पूरा घर में ही परहेज रहता है। लेकिन हमारे भैया और भाभी उतनी जल्दी परहेज नहीं कर पाते, कभी कभी होता है तो वो लोग प्याज वगैरह खा लेते हैं, लेकिन मम्मी और मैंने इस समय बिल्कुल परहेज किया हुआ है। और साथ में हम चाय भी बना रहे हैं हमारी। और इसको मैं देसी घी में बना रही हूँ, अगर आपको ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा इसमें रिफाइंड वगैरह डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमारी चाय भी रेडी होने वाली है, अगर ये जल्दी हो जाती है तो हम इसको गैस को थोड़ा सा ऑफ कर देंगे या धीरे कर देंगे। और यहाँ पर हम अपने साबुदाने की भी तैयारी कर रहे हैं, हालांकि हमारा जो छोटा वाला साबुदाना था वो बहुत जल्दी बन जाता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और टमाटर हमारे यहाँ सब पीस के ही खाते हैं, जिसकी वजह से मैंने इसको पीस लिया है, वरना भैया बहुत चिल्लाते हैं, उनको नहीं अच्छे लगते हैं कटे हुए टमाटर। फाइनली हम आ गए हैं किचन से, हमने बनाई थी अभी साबुदाने की खिचड़ी, और ये रही हमारी साबुदाने की खिचड़ी जो कि काफ़ी टेस्टी बनी है। और ये है हमारी चाय, और अब बज रहे हैं 2। चलिए हम भी अपना वो करते हैं, और शाम को हम फास्ट तोड़ देते हैं, मतलब नॉर्मल खाना खाते हैं, फलाहार नहीं करते हैं। 3 पहर तक कहते होता है तो हम शाम को खाना खा लेते हैं, और देखते हैं शाम को डिसाइड करते हैं कि हम क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। साबुदाने की खिचड़ी ये मम्मी की, और ये है हमारी चाय टेस्टी वाली, ये मेरी है। और हमारा टाइम हो रहा है अभी 2, और बाहर हो रही है जोरदार बारिश। मम्मी खा के बताइए कैसा है, खाइए। बाहर हो रही है जोरदार बारिश, लेकिन बहुत गर्मी है फिर भी। सही है, नमक। और इसके बाद आ जाता है हमारा शाम का टाइम, तो शाम के टाइम हम थोड़ी देर आधा 1 घंटे बाहर भी बिताते हैं, तो बस हम बाहर ही आ गए यहाँ पर। और फाइनली हम आ गए बाहर, और हमारे बाहर लगा हुआ है ये धतूरे का पेड़, जो कि मॉर्निंग में हमने दिखाया था, हमने धतूरा चढ़ाया था, ये हमारा वही पेड़ है, आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारे घर के बगल वाले पेड़ में लगे हुए धतूरे, आप देख सकते हैं कितने सारे धतूरे लगे हैं यहाँ पे, और आगे भी बहुत सारे लगे हैं। पूरा पेड़ भरा हुआ है, आगे और सारे लगे हैं, लेकिन उनको दिखाने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। और आज वैसे भी है मंडे, और हमारा फास्ट ही है, क्योंकि भोले बाबा को सुबह ही चढ़ाए थे हमने धतूरे, काफी अच्छे लगे। बहुत से लोग तोड़ के भी ले जाते हैं। हाँ, ये बहुत बुरी बात है। नहीं, सही है, सब लोग अपने अपने हिसाब से यूज करते हैं। नहीं, हमारे लिए है, सही, सबके काम है। चट्टोने लगता है धतूरे का पेड़ उगा दिया। और इसके बाद फाइनली हम आ गए हैं किचन में, और आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर की सब्जी, क्योंकि भैया लेके आए थे। तो मैं अभी यहाँ पर अपनी और मम्मी की से बना रही हूँ, क्योंकि भैया लोग प्याज वाली बनाएंगे बाद में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने लोगों का ही, दोनों का खाना सेक लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोज़, मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस में क्या चीज़ देखना सही लगता है, क्या ख़राब लगता है, और मैं इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकती हूँ, या आपको क्या चीज़ नहीं पसंद है। तो प्लीज़ मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँ, और मैं इसकी क्वांटिटी भी बढ़ाऊँगी आगे चल के। फाइनली आ गया है हमारा खाना, और हमने बनाई थी आज पनीर की सब्जी, जो कि बिना प्याज लहसुन के है, क्योंकि आज हम लोग का फास्ट भी है, और वैसे इस समय हम लोग खा भी नहीं रहे, क्योंकि रीज़न ये है कि इस समय हमारे बच चल रहा है, जिसकी वजह से मम्मी ने मना किया हुआ है, तो इसलिए हम लोग खा भी नहीं रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये है हमारी टमाटर मटर और पनीर की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी, और जो कि बिना प्याज और लहसुन से बनी है, और ये देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसमें वैसे कोई मसालों का यूज़ नहीं किया है मैंने, सिर्फ सब्जी मसाला थोड़ा सा डाला है, क्योंकि उसमें प्याज लहसुन नहीं होता। और साथ में ये हमारी मिर्च और हमारा टेस्टी पराठा। तो फ्रेंड्स, इसी अपने व्रत की थाली के साथ मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। लास्ट में ये कहूँगी कि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय।